喜欢的情况。邂逅的那一刹，同住的屋檐下，给时间吊上脚码，约好的明天，谁凌乱步伐？तुम सुन लो जरा, अगर आइंदा मेरी बीवी से मिलना हो तो मिलने से पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। I'm sorry, लेकिन मुझे लगता है कि मिस को एक इंडिपेंडेंट औरत है, और वैसे भी वो जो चाहे वो करें, सही कहा ना? बिल्कुल आजाद नहीं हूँ मैं। पहली बात तो मुझे आजादी पसंद ही नहीं है और ना मैं आजाद ख्याल हूँ। दूसरा ये कि मैं तो शादीशुदा हूँ ना। तुम बताओ मुझे, तुम्हें कॉमिक बहुत पसंद है क्या? मैं घर आ जाऊँ फिर साथ पढ़ेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, चलता हूं मैं। जरा सुनो, हम भी जा रहे हैं यहां से। जैसा कि तुमने कहा कि सचिन ने जीजी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को पता चला वो फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो यिन सचिन हमारी जान ले लेगा। तो क्या ये नकली शादी है इनकी? हाँ बिल्कुल, आप ही देखिए सीसी यिन सचिन जैसे आदमी को कैसे पसंद कर सकती है। कितनी अजीब बात है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो एक ना एक दिन तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना ही है। जी जी, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ जी जी, तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा। मैंने कहा था ना आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दो। एलेक्स के असिस्टेंट ने अभी ये भिजवाया है, इस महीने एलेक्स मिलान में होंगे ड्रेस डिजाइनिंग के लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि मिस गु और आप उनके प्राइवेट क्लब में कुछ दिन साथ बिताएं। ये इनविटेशन उनके तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है जिनमें वो नहीं आ पाए थे। एलेक्स वाकई में जीजी के लिए सेवियर साबित हो रहा है और ये चीज जीजी के फायदे में जा रही है। मिस्टर यिन, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं कहूंगा कि मिस गु पर गुस्सा दिखाने का ये ठीक वक्त नहीं है। क्या कहते हो, इस लड़की को मुझे कैसे पनिश करना चाहिए? जब से मिस गू से आपकी शादी हुई है तब से आपके अंदर का वो बच्चा फिर से जाग गया है। तो क्या वो मुझे बेवकूफ बना के छोड़ेगी? लगता है आपको यही पसंद है। और तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस गू अभी एलेक्स से मिलने के लिए तैयार नहीं है। चलो ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। वो आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई।
मैं जल्दी आ गई थी। पहले ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ ऑर्डर कर देते हैं। डिसाइड कर लिया तुमने? हाँ। वेटर, मैं उस सब की जिम्मेदार हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं उस सब की जिम्मेदार हूँ। तुम ज़ाओज़िन से जो सब कह रही थी मैं वो सब सुन लिया। तुम ऐसे पिटन करोगी जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। और तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सर्जरी की बात कर रही हूँ। सर्जरी की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या? मैं क्या कहूँ? सच कहूँ तो कुछ दिन पहले तक मैं भी कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी। लेकिन मैं जब थोड़ी ध्यान दिया मुझे एहसास हुआ कि मुझे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, और मैंने इस बारे में काफी सोचा। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ही तुम्हारी जिम्मेदार हूँ। क्या तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? क्या कहा? क्या इससे पहले तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, मतलब जरा सी भी? अब तो जब फीलिंग्स नहीं है तो इन सब का क्या फायदा? मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है हमें हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए। और हाँ, ये फैसला तुम्हें लेना है। मैंने स्कोरिंग लिस्ट भी बना लिया है, ये है तुम्हारा। हमारे इस रिलेशनशिप के दौरान अगर हमारे बीच के संबंध और गहरा हो गए तो हम इस रिश्ते को सबके सामने पब्लिक कर देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। कैसा लगा प्लान? ओके, मुझे मंजूर है। अब तुम क्या लिख रही हो? फैसला लेने में तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, लेकिन तुम्हारी जजमेंट काफी अच्छी है, 5 स्टार। तो ठीक है, अब हमें ऑर्डर करना चाहिए। अब मैं ऑर्डर भी करूंगा तो तुम इस पे भी स्कोर दोगी? मिस्टर शैंग, इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना जानते हो। वेटर, आपके पास सबसे महंगी जो डिश है वो लेकर आ जाइए। सुनो, यहाँ बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ आ जाओ, मैंने पूछा नहीं तुमसे। ये देखो, ये सब क्या है? एक खड़ूस से बॉस ने शादी कर ली एक सुंदर सिंड्रेला से। क्योंकि ये शादी जबरदस्ती की थी तो उसके आशिक ने सिंड्रेला को उस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश की। ये क्या है? तुम नहीं समझोगे, इसे ही तो किसी से प्यार करना कहते हैं, किसी की फिक्र करना। तुम बोरिंग हो। बोरिंग? तुमने कहा मैं बोरिंग हूँ? मोजेसन ऐसा नहीं है? उसका तो शौक जैसे बहुत यूनिक है ना। बात सुन लो मेरी कान खोल के, तुम्हें वो घटिया कॉमिक पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, और ना ही उस मोजेसन से मिलने का। लेकिन क्यों? ये तुम्हारे लिए है। एलेक्स ने हमें वेकेशन पर मिलान इनवाइट किया है। उस वेकेशन पे जाने के लिए कुछ प्लान्स हैं मेरे, तैयारी कर लो पहले से ही। वेकेशन? समझ गई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसे देखना चाहोगी एक बार? रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करनी है। सुबह 6 बजे उठो, और इटालियन क्यों सीखनी है? एलेक्स चाइनीज इटालियन है, जब तुम इटालियन में बात करोगी तो उसे तुम्हारी बात भी समझ में आएगी। लेकिन उसे हमारी जबान तो आती है। कम्युनिकेट करने के लिए ये ज्यादा आसान है। मॉर्निंग में इटालियन, नून में टेबल मैनर्स, आफ्टरनून में बिजनेस एटिकेट्स, शाम में डांस क्लास। मैं लकी होंगी अगर मुझे सोने का वक्त मिल जाए। लकी हो, सोने का टाइम मिल रहा है। येंशे चिन,
हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करूंगी और अगर ओवरटाइम करना पड़ा तो सिर्फ 3 घंटे। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसे जुल्म करना कहते हैं। तुम मुझसे पूछे बगैर मोजेस इनसे मिले और ये बात कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ थी। 8 घंटे वाली बात तो वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन इस तरह मेरी नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, अगर तुम ये क्लासेस नहीं लोगी तो तुम मिलान ट्रिप हैंडल नहीं कर पाओगी और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन देने के लिए तैयार हो। मेरा शक सही है कि तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो। मेरा शक भी बिल्कुल सही है कि मोजिजिन से तुम्हारे ताल्लुक की वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कुछ तो क्लासेस कम कर दो ना, मुझे नहीं लगता मुझे डांस क्लास लेने की जरूरत है। कौन सा कहीं परफॉर्म करना है? बिल्कुल नहीं, अगर वहाँ क्लब में जाना पड़ गया तो क्या तुम यूं ही कोने में खड़ी देखती रहोगी? तुम्हें सिर्फ डांस क्लासेस नहीं लेनी है बल्कि सीखना भी होगा ताकि एलेक्स को शक ना हो। बताओ, डांस क्लासेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट फाइन? एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें, सारे क्लासेस ले लूंगी मैं, देखना। ओके। क्या समझ में आ रहा है? बताओ ना, ऊंची आवाज में पढ़ो। हा गया मांगिया तू। हा गया। ओके। तुमने खाना खा लिया? क्या कहेंगे इसे? क्या था? कहाँ मारूं तुम्हें बताओ? चूज कर लो। गुड आफ्टरनून बच्चों। दादी माँ। दादी। मेरी बच्ची, तुमने डांटा है ना इसे? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें भूख लगी है? प्यास लगी है? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती हूँ। दादी माँ, जरूरत नहीं है। दादी माँ के सामने रिपीट करो जरा, फिर चाहो तो आराम करना जाके। अब गुस्सा मत करो, बोलो बेटा, आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। आज्ञा मंग्या टू। क्या था दादी, मुझे बताइएगा, थोड़ी सी मदद कर दीजिए, बताइए ना। तुम आराम से अपना लाइन लो। दादी। हा गया मांगिया तो। चलो हाथ बढ़ाओ अपना। हेलो, ठीक है, आधे घंटे में कंपनी के मेन गेट पर। जाओ जाओ जाओ। ओके, मुझे काम से जाना है लेकिन तुम इसे ठीक से याद कर लेना, घर आके सुनूंगा मैं। हेलो। हेलो, आओ बैठो। सॉरी मुझे देर हो गई। तुमने कुछ पूछने के लिए तो नहीं बुलाया? जितनी भी ऑब्जेक्टिव वर्डिंग यूज कर सकती हो तुम करो, डेटा यूज करो, और अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से तुम प्रपोजल दे सकती हो। तो क्या तुम्हें पहले ही सब पता था? मिस लिन ने नशे में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब बता दिया था मुझे। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम बहुत परेशान हो रही हो, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तुम्हारे प्रपोजल ने मेरी कंपनी का असेसमेंट पास कर लिया है, और अगर तुम चाहो तो हम स्टोर खोलने के बारे में डिस्कस कर सकते हैं,
और मुझे यकीन है कि जब तुम बिजनेस स्टार्ट कर लोगी तो तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी। एक मिनट मोजीजन, मैं समझी नहीं तुम्हारा क्या मतलब है। समझ नहीं सकी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मैं करूंगा और स्टोर तुम चलाओगी। वो तो समझ गए, लेकिन ये सोच रही हूँ कि इस बिजनेस से मेरे और यिनशिचिन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कॉलेज के दिनों में तुम प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत ही अच्छी थी। इस बात को इतने साल हो गए हैं, होमवर्क करने और मार्केटिंग प्रोजेक्ट करने में बहुत फर्क होता है। जीजी यहाँ, वो भी विन ग्रुप के मिस्टर मो के साथ क्या कर रही है? तुमने शादी का अग्रीमेंट साइन किया था, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? जीजी ने तुम्हें बताया नहीं था कि वो यहाँ आएगी? क्या तुम कुछ देर के लिए फ्री हो? क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से और ड्रेस चेंज करके मेरा कंपनी में इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मैंने तो ये भी सुना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम थोड़ी सी मजबूर हो, इसलिए तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हो और वो तुम्हें अपने काम के लिए सपोर्ट भी नहीं करता। तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यिनशिचिन एक खड़ूस, बदतमीज और रूड इंसान जरूर है, पर क्या कहा तुमने? कौन बदतमीज है? यिनशिचिन कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। मोजेजिन, क्या इत्तेफाक है, फिर से मुलाकात हो गई। मिलके अच्छा लगा। क्या हुआ, फिर से कॉमिक के बारे में डिस्कशन चल रही है? नहीं नहीं नहीं। अब फिर क्या चल रहा है, मेरा जिक्र क्यों हो रहा था? मुझे किसी तरह से तुम्हारे और जी के बीच होने वाले शादी के कॉन्ट्रैक्ट का पता चल गया है और इसलिए मदद करना चाहता हूँ मैं। ये तुमने बताया इसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया इसे, हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। तुम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इसलिए मेरे सामने बोलने में शर्माओ मत। मैं जीजी का दोस्त भी हूँ और हम दोनों एक ही जगह से हैं। जब ये मुश्किल में होगी तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं इसकी मदद करूँगा, तुम समझ रहे हो ना? और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है, शायद तुम जीजी को अब तक ठीक से पहचान नहीं पाए हो। तो तुम्हें लगता है ये सब दिखावे के सिवा और कुछ नहीं है? तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है? मेरी वाइफ को तुम्हारी किसी भी हेल्प का कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें क्लास के लिए देर हो रही है, इसलिए जाना होगा हमें। फिर से माफी चाहती हूँ मोजीजन, बाय बाय। यिनशिचिन तुम ये बताओ जरा, तुम वक्त से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो? नया पार्टनर ढूंढने की जल्दबाजी है तुम्हें? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो नहीं। कैसा है हा? वो बात जोया के मुंह से निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसने समझदारी से झूठ के साथ मिलाकर संभालने की कोशिश की थी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं पता चला। किस्मत हर बार साथ नहीं देती। चलो मेरे साथ कंपनी चलो। हाँ? मैंने टीचर अरेंज किया है जो तुम्हें एटिकेट सिखाएंगे। मन लगाकर सीखना। चलो जाओ, तुम्हारी टीचर इंतजार कर रही है। ये तो तुम्हारा ऑफिस है ना? हेलो। एटिकेट्स की क्लास मिस रैन लेंगी। कुछ दिनों में हम दोनों वेकेशन पर जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे कुछ सोशल एटिकेट सिखा दो। इसीलिए मुझे चेंज करने के लिए कहा था, अब ये काम मुझ पे छोड़ दो। अब मुझे एक पेयर हाई हील सैंडल्स और एक गाउन चाहिए। सच में? फेयर यंग, इतने तुरंत? मैंने सब कुछ तैयार रखा है, मैं हमेशा एक कदम आगे ही चलता हूँ। चलो जाओ, चेंज करो जाके। खुद जा सकती हूँ मैं। ड्रेसिंग रूम कहाँ है पता है? चलो अब आ जाओ। हाँ? चेंज कर लिया? नहीं। Mm-mm.
सुनो, इधर आओ जरा, इधर आओ ना। क्या हुआ? इधर आओ तो सही। क्या दिक्कत वो, है? मुझसे जिप बंद नहीं हो रही है। चलो। जीजी, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि चलते कैसे हैं। बिल्कुल। शिचिन, समझाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके। वॉक करते हुए तुम्हारा हर कदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अपने हाथों को लहराकर नहीं चलना है, नरमी से करना है। सीधा सामने देखो, इधर उधर बिल्कुल नहीं। इमेजिन करो कि तुम एक स्वान हो। फैंग, अब ये तुम जीजी के साथ करके दिखाओ। अरे अरे, छोड़ो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब चल पाऊंगी। बहुत दर्द है। ड्रामा बंद करो। अब तुम मेरे साथ चलोगे। थोड़ा आराम से, आराम से। काफी देर से एक ही स्टेप हो रही है, क्यों ना हम दूसरा मूवमेंट सीखें? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा पैर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अब आराम करूंगी। मुझे ये क्या, तुम ठीक हो? नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हो जाऊंगी, आराम करूंगी। तो दर्द हो रहा है? चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बॉस, मेरा मतलब डार्लिंग। शिचिन, थोड़ा टाइम होगा, मुझे बात करनी है तुमसे। फिर कभी कर लेंगे, अभी सुबह मैंने तुम्हें जो फाइनेंसिंग प्लान दिखाया था उसमें कुछ चेंजेस किया है मैंने, कल मुझे वो साइन करना है, क्या तुम उन्हें देख सकते हो? मैं अब... जीजी, तुम्हारा पैर... बस आराम करूंगी मैं। शीचन और मुझे काम के बारे में कुछ डिस्कस करना है, फैंग से कहकर तुम्हें ड्रॉप करना था। हाँ, ये भी ठीक है, आप दोनों बात करें। पैर, मेरा पैर दर्द कर रहा है, आप मुझे घर जाना चाहिए। डार्लिंग, मैं चलती हूँ। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आराम से बातें करिए। ध्यान से बैठो। अब बताओ। मैंने फील किया कि तुम बहुत बदल गए हो। क्या सच में? हाँ, तुम जैसे हुआ करते थे अब उससे अलग हो गए हो, तुम अब ज्यादा चाइल्डिश हो गए हो। क्या वो लड़की मुझे दिन ब दिन बेवकूफ बना रही है? तुम्हें अब तक एहसास नहीं हो सका, लेकिन जीजी कुछ ज्यादा ही स्पेशल सी लड़की है। लेकिन मुझे उसे जानने पर अफसोस नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आते वक्त दवाई ले आऊंगा। मैं अब ठीक हूँ, फिक्र करने के लिए शुक्रिया। तो अगर तुम ठीक हो तो 100 बार हागिया मांगिया टू लिखो,
मैं घर आके चेक करूंगा। हाँ तो हम कहाँ थे? कहीं नहीं। एटी थ्री, एटी फोर, एटी फाइव, एटी सिक्स, एटी सेवन, एटी एट, एटी नाइन। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर प्रैक्टिस करो और हर सेंटेंस को 100 बार लिखो। येंचेचेन, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। 90। जी दादी, देखो मैं क्या लाई हूँ। दादी कमाल करती हैं आप भी। आहिस्ता, आप क्यों ले आई? अभी तक लिख रही हूँ। अरे जीजी, थोड़ा आराम तो कर लो, एक ग्लास दूध पियो, मीठा खा लो ताकि पेट भर जाए। आपको मेरी कितनी चिंता है दादी। दादी हाँ, आपको इटालियन बोलने आती है ना? हाँ, अपनी जवानी में थोड़ा बहुत सीखा था। दादी हाँ, ये बताएं इसे इटालियन में क्या कहेंगे? तुम क्यों पूछ रही हो? येंचेचेन जबरदस्ती इटालियन सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं सीखना। मैंने सोचा कि कुछ मनपसंद करूंगी तो शायद जल्दी सीख जाऊं। मैं येंचेचेन को नाराज नहीं करना चाहती। सोचने दो मुझे। पी एम ओ, नहीं नहीं नहीं, बल्कि होगा टी एम ओ वरी देंटो। हाँ ये सही है, टी एम ओ वेरी तंतो। इसे लिख लेती हूँ, टी आ मो तंतो। हाँ तो बताओ क्या अपडेट है? 100 बार लिख लिया मैंने। काफी ध्यान से लिखा है। हैंडराइटिंग ठीक करनी होगी। खैर ये बताओ कि अब तुम्हारा पैर कैसा है? अब बेटर है, पहले से बेटर। यानी कल डांस क्लास के लिए तुम जा सकती हो। मैंने इटालियन में कुछ सीखा है, अपनी मनपसंद बात ती आमो तांतो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ती आमो तांतो। अब क्या हो गया? किसी को पहली बार चिल्ला चिल्ला कर प्यार का इजहार करते हुए देखा है मैंने। इजहार नहीं किया, मेरा कुछ और मतलब था। मेरी बात आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट। अब दादी, ये आपने क्या किया? मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मेरी याददाश्त ठीक से काम नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ। दादी ठीक ठीक हूँ मैं। ये तुम डांस कर रही हो या फिर रेसलिंग? क्या तुम्हें अपने हाथों और पैरों पे कंट्रोल नहीं है? इन्होंने पहले कभी डांस नहीं किया ना, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। अगर आप इनके साथ डांस करें तो हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी सीख जाएं। ये कैसे करेंगे, इन्हें नहीं आता डांस। तो
अब मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, ठीक है? मिस्टर येन, आप इनके साथ खड़े हो जाइए ताकि ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। मुझे फॉलो करो। ये कितना अच्छा डांस कर रहा है, मुझे तो थोड़ा बहुत भी नहीं आता। और इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, मैंने आज तक गौर ही नहीं किया, कोई दाग नहीं। पागल हो क्या? बायां पैर मूव करो। इस तरफ से राइट मूव करो, ओके? तुमने आगे पीछे होने का नहीं कहा था। तुम पागल हो क्या? अभी बताती हूँ इसे। क्या चल रहा है? गोजी जी, इसे खुद पर सवार मत होने दो, इससे अपना ध्यान हटाओ। बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। नाइस। हेलो। ठीक है, मैं आता हूँ। एक जरूरी काम से जाना है मुझे, तुम प्रैक्टिस चालू रखो। मिसेस येन, आपको डांस स्टेप्स याद हो गए? मुझे डांस नहीं आता, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, मैं अभी आई। ठीक है। आज तुम्हारे पास टाइम होगा? बरसों पहले तुमने जिस बात का वादा किया था, उसका कर्ज उतारने का ये शायद सही मौका है। ठीक है, मुझे तो कर्ज उतारना ही है। मिस्टर इन्वेस्टर, कहाँ मिलना है? चलो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कि तुम ये जगह ढूंढ पाती हो या नहीं। शाम होने से पहले आ जाना। मोसेजिन, आज जल्दी आ गई, थोड़ा वक्त साथ गुजारेंगे। आज शाम होने में देर होगी। सीजन, मुस्कुराना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरा ये मतलब नहीं था, मुस्कुराना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। पता नहीं कि तुम्हें याद है या नहीं, मैं स्कूल में हमेशा सीरियस रहा करता था। तब तुमने मुझे कहा था कि मैं ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझसे बात मत करो। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो तुम।
वो देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने खूबसूरत। धीरे धीरे बादलों के पीछे जब अंधेरा होता जाएगा, इस तरह रोशनी बादलों के पीछे छुपकर एक दूसरा आकार ले लेती है, और तब जाकर हमें ये रोशनी नजर आती है। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि ये बादल रोशनी को हसीन बनाते हैं या फिर ये रोशनी बादलों की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। खूबसूरत नजारा है। जीशन, तुम्हें बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए था। इतनी गहरी सोच होते हुए तुम आर्टिस्ट बनते तो अच्छा होता। तो क्या तुम तब भी मेरी आर्ट टीचर बनती? कितने पागल हो तुम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं सूरज की किरणें बन पाता, ताकि मैं किसी बादल से मिलकर इस तरह रोशनी फैला सकता। तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया था, उसे इस्तेमाल करते हुए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अभी तक मैंने किसी को दिखाई नहीं। तुम देखो सबसे पहले। अब तक याद है तुम्हें? कैसे नहीं होती? तुमने ही तो कहा था इस तरह की सुबह हमेशा नहीं होती। जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने हल्का सा गुलाबी रंग देखा था, तब से वो रंग ढूंढ रही थी ये पेंटिंग बनाने के लिए। और जब तुमने मुझे वो तोहफा दिया, तो मुझे याद आया कि यही रंग है जिसकी मुझे तलाश थी। तो तुम इसलिए ये रंग ढूंढ रही थी ताकि मुझे ये बना कर दे सको? हाँ, पेंटिंग पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। तुम्हें भी तुम्हारा बादल मिलेगा। किसी दिन मैं तुम्हारे साथ सनसेट देखने चलूं? बस इतना ही? हाँ। तो ठीक है, तुम मुझे बस जगह और वक्त बता देना। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। सच तो यह है कि बादलों के पीछे वो रोशनी वाली ऐसी कोई बात थी ही नहीं। ये तो बस तुमसे मिलने का एक बहाना था। उसने मुझे क्यों इनवाइट किया है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं? वजह? वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, बचपन की दोस्त हो या जो भी, मैं जब भी तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ, न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए नहीं जाना चाहती मैं वहाँ। बिल्कुल नहीं, सबके सामने हमारी अंडरस्टैंडिंग शो करने का यही तो एक मौका है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। पागल लड़की, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जीवे का स्टूडियो किस तरह का है? कोई फैशन का? समझ गई मैं, वो फैशन के बिजनेस में है, तो उसने फैशन डिजाइनर्स को बुलाया होगा और फैशन मीडिया को भी। वहाँ जाकर मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। एक तीर से दो शिकार। चलो आखिर तुम्हें समझ तो आई। थैंक यू। अब ऐसे ही चिपकी रहोगी? मैं बस ये अंदाजा लगा रही थी कि तुम्हारा सूट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा। इस इवेंट के लिए ये मेरी जिम्मेदारी। चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। डार्लिंग, मेरे साथ आइए। मगर कहाँ? आप बस आते जाइए। अरे जीजी, तुम क्या चाहती हो? आई। बात क्या है बताओ ना, तुम ये सब? सूट उतारिए।
कर रहे हैं? तुम्हीं ने तो सूट उतारने कहा मुझे। कोट कहा था सिर्फ। तुम ना मुझसे पूरी बात किया करो। क्या है, क्या कर रही हो ये? आपका नाप ले रही हूँ। सीधे खड़े रहिए। ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी आसानी के लिए ही झुका था मैं। आप मेरी मदद कर रहे हैं लेकिन मेरा नाप खराब हो रहा है। जब तक मैं ना कहूँ सीधे खड़े रहिए। शुक्रिया। वो किस लिए? मेरा सूट बनाने के लिए। योर वेलकम। मुझे भी तो एक फ्री मॉडल मिल गया है। बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। ओके इंचेचिन।永不坠落。